सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सीयूसीटी एग्जाम के बारे में, जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन सीयूसीटी के एग्जाम के बारे में आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल अच्छे से जानने को मिल जाएगी। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम और सबसे पहले जानना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के थ्रू पिछले साल की वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप चाहे तो वो सारी वीडियोस जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में सिमिलरली 2023 के लिए लेटेस्ट और नई नई वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको पता भी लगेगा है ना सीयूसीटी एग्जाम के बारे में, तो सबसे पहले जो आपको बात क्लियर कर देता हूं, जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो देना कंपलसरी है अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको देना कंपलसरी अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सीयूसीटी के एग्जाम के दो पर्पज है, एक तो आपको उससे एडमिशन मिलती है और दूसरा पर्पज यह है कि उससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब आपको सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि जो एक और बात आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है वो क्या होता है कि एक ना एग्जाम है सीयूईटी एग्जाम, ठीक है, जो कि है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बहुत से बच्चे सीयूसीटी एग्जाम को सीयूईटी एग्जाम के साथ क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं। तो आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे दो अलग एग्जाम है, एक तो है सीयूईटी एग्जाम और एक है सीयूईटी एग्जाम। तो यहाँ पे जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सीयूईटी एग्जाम, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आपको सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है। लेकिन जो आपका ये वाला एग्जाम रहता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू आपको बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस में या बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे सीयूसीटी एग्जाम के बारे में। तो अब जो सबसे पहले आपको बात बता देता हूं, जो सीयूसीटी एग्जाम है वो टू फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। जो फेज वन स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चलेगा, मई 2023 तक चलेगा। उसके बाद जो सीयूसीटी का फेज टू चलेगा वो जून से स्टार्ट होगा और सितंबर या अगस्त तक चलेगा। तो अब दोनों ही सीयूसीटी के फेज में डिफरेंस क्या है, तो देखो दोनों फेज में आपके क्वेश्चन नंबर सेम रहेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगी, फीस सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो क्या है कि अगर आप फेज वन में एग्जाम देते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू फेज टू। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फेज वन में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 90 से 100 के बीच में, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है, 100%। सिमिलरली अगर आप फेज टू में एग्जाम देते हैं, आपके मार्क्स आते हैं 90 से 100 के बीच में, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, 100%। लेकिन अगर आप फेज वन में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कितनी मिलती है, 50% की। लेकिन सिमिलरली अगर आप फेज टू में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, 40% की। तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम होने के बावजूद भी, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी फेज टू में एग्जाम देने से आपको 10% स्कॉलरशिप का डायरेक्टली लॉस हो गया। सिमिलरली अगर आप 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको फेज वन में मिलती है 40% स्कॉलरशिप, लेकिन फेज टू में मिलती है 30% स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो फेज वन में ही रजिस्टर करिए, क्योंकि फेज वन की जो डेट है वो अभी मई तक चलने वाली है, आपके जो एग्जाम है वो अप्रैल में खत्म हो जाएंगे। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपके ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो, साथ ही साथ सीयूसीटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दे, क्योंकि जो इसका सिलेबस रहने वाला है वो 11 ट्वेल्थ के सिलेबस में से आने वाला है और आपने रिसेंटली एग्जाम दिए होंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में होगा और आपको बहुत अच्छे से आप एग्जाम दे सकते हैं और आपको 10% का एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जो आपकी मतलब बाद में ऐसी फ्री में लूज करने वाले हो। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। 900 से ज्यादा कंपनी आई है, 9500 बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर मिला है। तो अब इसका 9500 का मतलब क्या है कि 9500 बच्चे प्लेस हुए नहीं, बहुत से बच्चों को मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर भी मिलता है। जैसे मुझे खुद को जो प्लेसमेंट ऑफर मिले थे वो कहाँ से मिले थे, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। तो इसमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर मिले। इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज क्या है, 54.7 लाख। और अगर हम उसकी एमबीए की बात करें तो उसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, मैनेजमेंट का 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो उसके बाद अगर हम बात करें वाइस यूसीईटी, ठीक है, ओवरव्यू देख लेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, कौन-कौन से टेस्ट मतलब कौन-कौन से कोर्सेज में देना कंपलसरी है वो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सीयूसीटी का एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मा करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए सीयूसीटी का एग्जाम है कंपलसरी रहने वाला। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी रहेगा। अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ का प्रोग्राम करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये जो कोर्स है वो कंपलसरी रहेगा। अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सीयूसीटी का एग्जाम है कंपलसरी रहेगा, और मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सीयूसीटी का एग्जाम है जो कंपलसरी रहेगा। किन बच्चों को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा सीयूसीटी का वो भी बता देता हूं, जिनके मार्क्स मोर देन 90% होंगे 12th में, या तो आपके
जो मार्क्स है वो मोर देन 90% होने चाहिए 12th में, या आपका जो जेई मेन में रैंक है वो कितना होना चाहिए, 50,000 तक होना चाहिए। तो अगर मैं हाई होप कर रहा हूँ 50,000 के अंदर आपका रैंक होगा तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाएंगे, तो आप सबको CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CUCT एग्जाम देने के लिए वो रहेगा आपका 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो वो कोर्सेज के जैसे आप प्रोग्राम है आफ्टर 12th वाले प्रोग्राम में आपको जाके देखना पड़ेगा कि आपका क्या रहेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो ऑलरेडी दूसरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वो चीज हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आप पिछले साल देख सकते हैं कि 100% स्कॉलरशिप किसको मिली है तो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, इस लड़की को 100% की स्कॉलरशिप मिली है। बहुत से मैक्सिमम बच्चों को 50% की स्कॉलरशिप मिलती है, 100% की जो स्कॉलरशिप है वो बहुत रेयर बच्चों को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को 50% की जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ईजिली मिल जाती है। अगर हम बात कर ले हाउ टू अप्लाई, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ईजी रहने वाला है, आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपका जो एग्जाम से लेकर आपका एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस फी पेमेंट तक सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो जो एग्जामिनेशन फीस रहती है CUCT एग्जाम की वो रहती है 1000 रुपीज, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको काउंसलर के द्वारा कॉल आ जाएगा, तो उसके बाद वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, और आपको जो फीस यहाँ पे जो ऑफिशियल फीस है वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे गूगल फॉर्म से रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाता है। तो गूगल फॉर्म फिल करने के बाद अपनी डिटेल्स डालने के बाद आपके पास आ जाएगा आपका ईमेल आईडी पासवर्ड, जिसके बाद आपको CUCT वाले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको CUCT एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, डेट एंड टाइम कहाँ पे देना है, आपको एग्जाम कैसे देना है। तो जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो भी आपको बता दो कि आपका जो एग्जाम मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, घर से आप एग्जाम दे सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने नियर बाय कैफे में जाके एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि जो एग्जाम का मोड रहने वाला है वो होम से रहने वाला है ऑनलाइन मोड में। तो उसके बाद जैसे आप रजिस्टर करेंगे CUCT का एग्जाम देंगे, CUCT का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो अगर आपको पता लग जाएगा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपको कॉल आ जाएगा कि आपको विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो सीट बुकिंग है वो कंफर्म करनी पड़ेगी 10,000 रुपीज देके। तो आप जैसे ही अपनी सीट कंफर्म कर देंगे, पैसे देके फीस पेमेंट कर देंगे, तो आपकी जो एडमिशन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो कंफर्म हो जाएगी, और फिर जैसे ही आपको लास्ट डेट दे दी जाएगी, मतलब कि आपका जो सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको फुल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ पूरा प्रोसेस रहता है। तो अगर हम जान लें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा CUCT एग्जाम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आने वाले टोटल, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 क्वेश्चन कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे अगर आपके पास 10+2 में आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, अगर आपके पास 10+2 में नॉन मेडिकल था कंप्यूटर के साथ, तो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश फिजिक्स कंप्यूटर मैथमेटिक्स। 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के। सिमिलरली आपके पास अगर 10+2 में मेडिकल था तो आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले वो क्या रहेंगे, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। सिमिलरली आप ये सारा जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो मेरे चैनल के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि अगर आपके 10th में नॉन मेडिकल थी तो आपके क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी उसके ऊपर मैं अलग से और वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने अब देख लिया कि मेरे पास क्या थे 10+2 में इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो मुझे अपना सिलेबस देखना है कि मेरा इनमें से सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस वैसे तो यार आपके 12th का ही सिलेबस रहेगा तो उसमें कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली फिर भी देख लेता हूँ कि सबसे पहले मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये रहेगा मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो ऐसे ही सिमिलरली आपका ये पूरा 11th और 12th का सिलेबस होगा, तो बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम मुश्किल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जैसे मैं बायोलॉजी का सिलेबस देख लूँ तो ये मेरा बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम का जो सिलेबस रहता है ना वो 11th 12th का रहने वाला है, और आपके बोर्ड एग्जाम से मतलब कह सकते हैं 10-20% ये क्या बोलते हैं वो रहेगा, इजी ही रहेगा एग्जाम का पैटर्न। तो ये इंग्लिश का सिलेबस आपने देख लिया। तो ऐसे ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जाके सारा सिलेबस देख लेना है। तो ये मैंने आपको नॉन मेडिकल का पूरा सिलेबस दिखा दिया CUCT एग्जाम का कि कौन सा आपका सिलेबस आने वाला है। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से देखने के लिए। तो उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर कौन से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर में जाके कि आपको ये दे रखा है कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के एग्जाम में।
तो ये आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दिखा दिए। उसके बाद अगर हम नीचे जाए बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन दे सकते हैं, द टर्म स्पीशीज वॉज कॉइंड बाई किसने दी थी, तो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है यार। मतलब जो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन कौन से, इनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एबसेंट होती है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन विच ग्रुप, है ना। तो ये बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन है यार, जो आप बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू 50% स्कॉलरशिप लेना बहुत ईजी है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए पूरे। तो ऐसे ही करके आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सारे सैंपल क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, जो सीयूसीटी का एग्जाम रहने वाला है बहुत इजी एग्जाम रहने वाला है, बहुत इजीली आप 50% की स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सीयूसीटी एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो फेज वन में ही रजिस्टर करें, जिसकी लास्ट डेट 29 मई तक है। वो कहां पे मेंशन है वो भी आपको दिखाता हूं, वेबसाइट के सबसे एंड में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड डेट क्या है, 29 मई 2023 फेज वन की लास्ट डेट है। तो 29 मई से पहले पहले ही सीयूसीटी का एग्जाम में रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप आपको सीयूसीटी एग्जाम के बारे में सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट्स नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।